हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम एक लिपस्टिक के हेल्प से इस आई लुक को क्रिएट करेंगे। एंड सो टू लर्न दिस ट्यूटोरियल प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड। इस आई लुक को क्रिएट करने के लिए मैंने पर्पल की रेड लिपस्टिक को यूज़ किया है। अपनी आईलिड को कंसील करने के बाद कुछ इस तरह से लिपस्टिक अप्लाई करें और फिर एक स्मजिंग ब्रश की हेल्प से उसे अच्छे से स्मज कर दीजिए। ध्यान रहे, आपको ये प्रोसेस बहुत जल्दी करना है, नहीं तो लिपस्टिक अपना पैच छोड़ देगी और फिर उसे ब्लेंड करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कुछ इस तरह से स्मच करने के बाद आप एक रेड आई शेडो लीजिए और उसे अच्छे से पैट पैट कर प्लेस कीजिए। क्योंकि हमने नीचे लिपस्टिक का यूज़ किया है, आपका नॉर्मल से नॉर्मल आई शेडो भी बहुत अच्छा पिगमेंट देगा। इसके बाद मैंने आउटर और इनर कॉर्नर पे ब्लैक आई शेडो प्लेस किया है जस्ट टू गिव अ 3D इफेक्ट एंड उसे अच्छे से ब्लेंड करें। ध्यान रहे कोई हार्श लाइन नज़र ना आए, बिकॉज ब्लेंडिंग इज द की टू मेकअप। अब मुझे एक फ्लफी ब्रश लेना है और अपनी हार्श लाइन को लाइट कलर से बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है। एक अच्छा आई मेकअप तभी क्रिएट होता है जब उसमें कोई भी हार्श लाइन ना और सब कुछ बहुत अच्छे से ब्लेंड किया हुआ हो। और हमारे इस आई मेकअप का नाम है रेड स्मोकी आईज विद सम ग्लिटर ऑन इट। ट्रांजिशन शेड क्रिएट करने के बाद मैं थोड़ा सा रेड कलर और लूँगी और उसे अच्छे से इंटेंसीफाई करूँगी। फिर से हार्श लाइन को ब्लेंड करना है। अब इसके बाद आप कोई भी ग्लिटर लीजिए, मैंने यहाँ शिमर लिया है, और उसे अपने सेंटर ऑफ द आईलिड पे प्लेस कर दे। ध्यान रहे इसका भी हार्श लाइंस नहीं दिखनी चाहिए, नहीं तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अब मैं साइड से 90 डिग्री की डायरेक्शन में अपने ब्रश को लेके साइड्स की लाइंस को अच्छे से ब्लेंड करूँगी। अब हम यहाँ आईलाइनर लगाएंगे। मैंने यहाँ फॉरएवर 52 का आईलाइनर यूज़ किया है। आईलाइनर लगाते टाइम हमेशा पहले सेंटर से लगाएं और फिर इनर कॉर्नर को आप ज्वाइन कर दें। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं एक विंग आईलाइनर क्रिएट करूँगी। अब मैं अपनी लोअर लैश लाइन को ब्लैक कलर और रेड कलर अच्छे से स्मोक आउट करूँगी। इस आई लुक में मैंने काजल का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि आजकल आपने भी नोटिस किया होगा कि काजल को बहुत कम यूज़ करते हैं। हर आई लुक में यूज़ करना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसे अच्छे से स्मोक आउट करने के बाद आप आई लैशेज लगाएँ, अच्छे से मस्कारा कोट करें एंड यू आर गुड टू गो। आई होप यू लाइक द वीडियो गाइज। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल to get more such exciting videos further. Thank you so much for all your support and love. Thank you. Have a nice day.